इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। आज यहाँ पे हमारी पार्टी का एक तरह से शीर्ष नेतागण मौजूद हैं, हमारे काउंसलर्स, मंत्री, एमएलएज, एमपीज और सीनियर ऑफिस बेरर्स। हमें आज यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि यह पार्टी ज्यादा बढ़े और भविष्य में बीजेपी के लिए चिंता मत करें, चिंता मत, वो सब इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा अभी सीज करने थे लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पर लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे।
मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे, इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को हजार हजार रुपए देने जा रहे हैं, हर महीने उनके खातों में हजार हजार रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसका इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर, ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये अपने आप फैलता जा रहा है विचार। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मां की कोख इतनी ज्यादा वो है कि 100 नेता पैदा होंगे इस कोख से। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर, 1000 केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मां। आप करके देख लो। पिछले कुछ सालों में जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हां जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले, कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब चुनाव के पहले याद करो, पिछले 2022 में जब पंजाब चुनाव हुए थे, इन्होंने एक अबोहर के अंदर रैली में चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है, केजरीवाल खाल
केजरीवाल खालिस्तानी बना के खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं इस तरह से, जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आने वाले समय में। आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद, हमें पता चलता है हमारा कोई भ्रष्टाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से में जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं परसों, कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं है। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया, 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी पूरा। आप हमें सबको जेल में भेज दो और देख लो, एक बार करके देख लो कि आम आदमी पार्टी का विनाश होता है या आम आदमी पार्टी और बड़ी बनती है। एक बार करके देख लो मोदी जी। अभी हम सारे जने यहां से चलेंगे, शांति से चलेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे पीछे पीछे सब चलेंगे। अगर हमें बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाने देंगे हम वहां तक जाएंगे, नहीं जाने देंगे जहां रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे, वहां सड़क पे बैठ जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, इंतजार करेंगे। अगर वो हमें आके गिरफ्तार करते हैं, अगर वो आके गिरफ्तार नहीं करते तो ये आज उनकी हार होगी। ये उनकी हार होगी। आधे घंटे के बाद हम उठ के वापस आ जाएंगे, ठीक है, आधे घंटे बैठेंगे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। उन सभी चुनौतियों के लिए संघर्ष करने के लिए आप लोग तैयार रहना। एक ही चीज याद रखना, जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां पास्ट में हमारे को पास आई और जितने बड़े बड़ी मुसीबतें आई और जितना आराम से हम लोग उसमें से निकल गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 10 साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल एक ही चीज की वजह से है, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, बजरंग बली का हाथ आपके ऊपर है। अगर ये हाथ नहीं होता आज तक हम खत्म हो गए होते। इतने बड़ी चुनौतियां आई हैं हमारे जिंदगी में पिछले 10 साल में, आज तक हम खत्म हो चुके होते अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर नहीं होता। तो ऊपर वाला आपके साथ है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, डगमगाना मत,
बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन सारी चुनौतियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा, हमारी इंटेंशन साफ है। हम देश ठीक करना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आज भगवंत मान साहब को भी आना था, उनका फोन आया मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि चुनाव का टाइम है, आप वहीं पे। पंजाब के भी बहुत एमएलएज का फोन आया, मैंने उनको आने नहीं दिया। मैंने कहा कि आज अगर ये हम सबको गिरफ्तार कर लेते हैं तो कल आप आ जाना फिर गिरफ्तार होने के लिए, तो मैंने आज उनको नहीं आने दिया।